की राजधानी दिल्ली से हजारों किलोमीटर की दूरी पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिस साइट पर मैं खड़ी हूँ वहाँ पर रिस्टोरेशन का काम कर रहा है। साउथ ईस्ट एशिया के देश लाओ में ये मंदिर है जिसका नाम है वाट फू। वाट का मतलब लाओ भाषा में होता है मंदिर और फू का मतलब होता है पर्वत, यानी पर्वतों में बसा हुआ एक मंदिर। और सनातन धर्म या हिंदू संस्कृति किस तरह से फैली हुई थी उसका जीता जागता एक नमूना ये जो रेस्टोरेशन साइट है ये है। पांचवी शताब्दी में यहाँ पर एक शिव मंदिर था और इस तरह के प्रमाण जो है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो एक्सकवेशन का काम हुआ है उसमें प्रमाण मिले हैं, शिवलिंग मिले हैं, नंदी पर बैठे शिव पार्वती और गणेश जी की विखंडित मूर्तियां मिली हैं। तो यानी भारतीय संस्कृति सुदूर कहाँ तक हिंदू संस्कृति या हिंदू जो मंदिर है वो फैले हुए थे इसका प्रमाण है पांचवी शताब्दी का ये मंदिर जिसकी रिस्टोरेशन का काम फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन पांचवी शताब्दी के शिव मंदिर को चौदहवीं शताब्दी में जब बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हुआ साउथ ईस्ट एशिया के इस रीजन में तब ये मंदिर जो है एक शिव मंदिर से बदल गया बुद्ध भगवान के मंदिर में और यहाँ पर फिलहाल जो है रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। 2007 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर के रिस्टोरेशन का पहला फेज जो है वो शुरू किया और 2007 से 17 के बीच में जो है काम हुआ फर्स्ट फेज के रिस्टोरेशन का काम हुआ और 2018 से अब अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 2028 तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस मंदिर के वाट फू का ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है इसके रिस्टोरेशन का काम जो है वो पूरा कर लेगा। ये मंदिर जो है न सिर्फ प्राचीन भारतीय संस्कृति या किस तरह से हिंदू संस्कृति जो है पांचवी शताब्दी में फैली हुई थी उसका प्रमाण है बल्कि आज भी किस तरह से साउथ ईस्ट एशिया के इन तमाम मुल्कों के साथ भारत के संबंध हैं जो सदियों पहले शुरू हुए और कैसे वो संबंध आज भी चल रहे हैं इसका भी जीता जागता प्रमाण इस मंदिर में चल रहा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रिस्टोरेशन का काम है। 2028 तक उम्मीद है कि ये काम पूरा हो जाएगा। अशोक जी ये बताइए कि ये लाओ जो है हजारों किलोमीटर भारत से दूर यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? यहाँ पर एक्चुअली ये वाट फू मंदिर कॉम्प्लेक्स है और ये अगर इस मंदिर को हम देखेंगे तो ये हिंदू मंदिर है, शिव मंदिर है। आप इसको गौर से देखेंगे आप ये मंदिर जो है लगभग पाँचवीं शताब्दी का है। ये मंदिर ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति हिंदू संस्कृति जो थी वो साउथ ईस्ट एशिया में दक्षिण पूर्व सुदूर एशिया में भी यहाँ पर स्थापित थी। ये मंदिर उसका जीता जागता नमूना है और ये 14वीं शताब्दी के बाद में बुद्धिज्म यहाँ आया और बुद्ध में कन्वर्ट हो गया ये मंदिर। इसमें जो आप कलाकृति देखेंगे, स्कल्पचर्स देखेंगे, एंटीक्विटी देखेंगे उसमें काफ़ी हमको हिंदू माइथोलॉजी के स्कल्पचर्स मिलते हैं और जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो भी हिंदू शैली से हुआ है जिसमें जैसे गर्भगृह होता है, अंतराला होता है, महामंडपा होता है, मंडपा होता है, वो सब पार्ट इसमें आपको मंदिर में मिलेंगे। तो किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया और क्या उसके पीछे की कोई कहानी हम लोग अभी वो ये कहा जाता है कि प्री एम्पोरियन मंदिर है, खमेर डायनेस्टी के आसपास के लगभग का है जो यहाँ पर पहले मंदिर स्थापित हुआ, फिर यहाँ से फिर कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है उसके बाद वहाँ का निर्माण हुआ है। ये उससे पुराना मंदिर है, ये इसकी खासियत है इस मंदिर की। तो ये किस डायनेस्टी ने इसका निर्माण करवाया? ये खमेर डायनेस्टी ने। अच्छा ठीक। और ये बताइए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, कब से यहाँ काम शुरू हुआ है? एक्चुअली ASI यहाँ पर 2005 में यहाँ आया था, ASI की टीम आई थी, हमारे इंजीनियर्स आए थे, कंजर्वेशन इंजीनियर्स और आर्कियोलॉजिस्ट आए थे 2005 में, उन्होंने इस मंदिर का सर्वे किया और 2007 के आसपास यहाँ पर लाओ गवर्नमेंट के साथ में भारत सरकार का MOU साइन हुआ और फिजिकली फिर हम लोग यहाँ 2009 से इस मंदिर का कंजर्वेशन रेस्टोरेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया और फेस वन का हम लोगों का जो वर्क था वो 2007 से 2017 के बीच में था जिसमें लगभग 17 करोड़ का खर्चा आया जो ASI ने किया और उसके बाद में फेस टू का भी एस्टिमेट काम चल रहा है जिसकी लगभग लागत 24 करोड़ है जिसमें हम लोगों ने लगभग 5 करोड़ के आसपास खर्च किया है। क्योंकि अभी बीच में कोविड था तो 2-3 साल काम बंद रहा लेकिन अभी पिछले साल से काम फिर से शुरू हो गया है तीव्र गति से और चूंकि ये कंजर्वेशन है ये बहुत स्लो प्रोसेस है, इसको हम ज़्यादा जल्दी नहीं कर सकते क्योंकि इसकी खासियत है कि जो जैसा है उसको वैसे ही रिस्टोर करना है, जो मटेरियल यूज़ किया है वही मटेरियल हमको यूज़ करना है। इसमें खासियत है जैसे जो मंदिर आप देखेंगे सिर्फ गैलरी सब गिरी हुई थी,
इन सबको गैलरी को पहले हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया, फोटो डॉक्यूमेंटेशन किया, ड्राइंग डॉक्यूमेंटेशन किया, उसको मिलान किया, साइट पर ट्रायल टेंशन लगाया, ट्रायल एरर मेथड से उसको हमने बनाया पहले कि हाँ ये वाकई इस प्रकार से था, उस प्रकार से चेक करने के बाद में फिर हमने उसको एक्चुअल साइट पर हमने उसको रेस्टोर किया। तो कितने ASI के कितने कर्मचारी इसमें लगे होंगे और किस लेवल के अधिकारी? इसमें हेडक्वार्टर से टीम डिसाइड होती है, जिसमें अभी फिलहाल हम 4 लोग आए हुए हैं ASI से, और लगभग 45 लेबर यहाँ लोकल स्थानीय लेबर यहाँ काम कर रही है, जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है ASI ने। और चूंकि पिछले 15 साल से यहाँ लगातार ASI काम कर रही है, तो वर्कर्स भी काफी ट्रेंड हो गए हैं। जो नए वर्कर्स आते हैं उनको फिर सिखाते हैं कैसे काम करना है। तो कब तक ये पूरा रिस्टोरेशन का काम हो जाएगा? ये अभी फेज 2 तो 2028 तक है, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि अभी हम ये एक्चुअली टेरेस के हिसाब से हमने इसका नामकरण किया हुआ है। अभी हम लोग फर्स्ट टेरेस पर है, फिर सेकंड टेरेस है, थर्ड टेरेस है, फोर्थ टेरेस, फिफ्थ टेरेस, सिक्स टेरेस। सिक्स टेरेस में इसका टेंपल है। इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे ये हिल टॉप जाते जाएंगे, तो और बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इसमें काफ़ी समय लगेगा। अभी 2028 तक हम लोगों का टारगेट है कि जो हमारे एस्टिमेट है वो हम क्लोज करें। अभी काम चल रहा है, देखते हैं कितना होता है। विजयलक्ष्मी, इंडिया TV, लाओ।